अभी वक्त है, सोच लो, फिर सोच लो। वक्त सोच के मरहलों से बहुत आगे निकल चुका है बाबा, अब तो मौत या गंदा। तुम महज अपनी जिद की वजह से तबाही के रास्ते पर चल रहे हो। शिकस्त के खौफ में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती बाबा। हाँ, अलबत्ता फतह की उम्मीद में मौत को गले से लगाया जा सकता है। बाबा आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देख रहे हो कि दुश्मन दिफाई जंग लड़ रहा है। ऐसे में हमारा ज्यादा नुकसान होना कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं। और इस सूरत में हमारे हजारों शेर दिल लाशारियों की लाशें पड़े। बाबा, गोराम के हाथ लाशें उठाने के लिए नहीं, दुश्मनों की लाशें बखेरने के लिए बने हैं। मैं सोचता हूं कि इस नाजुक मौके पे हमें सरदार चाकर खान को इत्तला दे देनी चाहिए। ताना दे रहे हो बाबा। ओहो, गलत मत सोचो बाबा, गलत मत सोचो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परेशानी की वजह से कह रहा। वो तो मैं हूं बाबा, कई दिनों से दो महाजों पर खड़ा हूं, लेकिन शिकस्त के खौफ से टूट नहीं सकता। तुम सबको इतनी रात गए इसलिए तकलीफ दी है नंदे, कि मीर गोहराम ने अपने से कई ज्यादा फौज की मौजूदगी में गंधावा पर हमला कर दिया है और इत्तला मिली है कि हमारा भाई खासी मुश्किल में है। सरदार गुस्ताखी माफ, आपकी गुफ्तगु से अंदाजा हो रहा है इस जंग के नतीजे से मायूस नजर आते हैं। जाहिर है लाशारियों की तादाद दुश्मन की फौज से बहुत कम है, कई जामबाज मौत की घाट उतर चुके हैं और मीर गोराम लम्हा ब लम्हा उखड़ता जा रहा है। मीर जाओ। सरदार, मीर गोराम ने कौम के दरमियान तफरके की जो दीवार खड़ी की है अगर वो खुद ही गिरा दे तो अच्छा है। मेरे हरताम, तुम क्या कहते हो? सरदार, नफरतों की दीवारें बहरहाल गिरनी ही चाहिए, लेकिन उन्हें गिराता कौन है ये अलग बात है। पसंद आई हमें तुम्हारी ये बात, नफरतों की दीवारें गिराने के लिए हमें पहल करनी चाहिए। सरदार, बलूच एक नाम है सूरज की, जिसकी रोशनी एक तमाजत एक, हम सब उसकी रोशनी की तरह हैं। रोशनी के इस सफर में जो भी दीवार आयल हो उसे गिरा देना ही बेहतर है, क्योंकि कोई भी किरण सूरज के बगैर अपना वजूद नहीं रखती। ब्यूरो, तुमने बलोच कौम को सूरज से तशबीह देकर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि नफरतों की ये दीवारें हमें ही गिरानी चाहिए। वीर बजार, वीर हाल, फौज को फौरी कूच का हुक्म दो।
कल की जंग को नतायज के एतबार से नुकसानदेह समझता हूं। तुम्हारी हिकमत अमली क्या है? बाबा, जंग नफा नुकसान से बालातर अमल है। दुश्मन का भी नुकसान हुआ है। मैंने जरा जल्दी शादाब इलाकों की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन दो दिन बाद जाकर खान भी नशीब की तरफ आएगा। अगर ये मेरी गलती थी तो ये गलती यकीनन दोहराई जाएगी, और मेरी नाकामी आने वाले के लिए इससे बड़ी नाकामी साबित होगी। सरदार, हमारी पुश्त की जानिब से आसमान तक उठता हुआ एक गुबार नजर आ रहा है, जो लम्हा बलम्हा बड़ी तेजी से हमारी जानिब बढ़ रहा है। इस सिम से दुश्मन के लिए गुमा का नाम महाल है। बहुत मुश्किल है बाबा। सरदार, आ बोलो शाहान, क्या बात है? सरदार चाकर खान अपने लश्कर के साथ हमारी मदद के लिए आ पहुंचे। पर ये कोई ताज्जुब खेज बात नहीं। देखा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि सरदार चाकर खान की सोच और तुम्हारी सोच कितनी मुख्तलिफ है। मैं आपसे यही गुफ्तगू कर रहा था बाबा, कि मैं और चाकर दो मुख्तलिफ सिमतों के राही तो हैं, मगर हमारा दुश्मन मुश्तरक। अब कौम को परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे आने पर तुम्हें कोई ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ होगा गौराम? जंग का तबल बजा दिया जाए। सरदार, गंदावा की आज की यह फतह आपकी वजह से हुई है। हम सब आपके ममनून हैं। आज की फतह मीर गौराम और मेरे साथियों के लिए एक दिलचस्प तजर्बा है। इन मफ्तूआ इलाकों पर हमारे साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे उमरा का बराबर का हिस्सा है। नहीं नौजवान, नहीं। गंदावा पर हुकूमत मीर गौराम का हक है, लेकिन आप मेरा इरादा सफर जारी रखने का है, और अब मैं सिवी फतह करना चाहता हूं। मैं भी इस मुहिम पर आपके साथ जाना चाहता हूं। तुम्हारा साथ भाइयों का साथ है, ये साथ बायस इफ्तिखार है। लेकिन मत भूलो, पूरी कौम को एक मंजिल और मकाम की जरूरत है, और कौम से मेरा यही अहद है। एक खाना बदोश के हाथों गंदावा की फतह नहायत काबिल शर्त शिकस्त है, और अब बलोचों की जलगार को रोकना आसान ना होगा, क्योंकि इस इलाके में बलोच पहले ही से आबाद है। लिहाजा वो हमारे खिलाफ अपने लोगों की हर मुमकिन मदद करेंगे। गंदावा हाथ से निकल जाने के बाद जरूरी हो गया है कि उन्हें सिवी तक पहुंचने की मोहलत ना दी जाए। अलीजा, आपकी तरफ से कुमक के बगैर सिवी और एतराफ का दफा मुश्किल होगा। मुबारक खान, जब हाकिम अमूर ममलकत में दिलचस्पी लेना छोड़ दे, ऐशो आराम की आदि हो जाए, बद्यांती उनका सेवा बन जाए, और हवस जर उनकी गर्दनों को झुका दे, तो फिर इतनी दूर बैठकर थर के 200 कोस उस पार से हम तुम्हारी हिफाजत की जमानत किस तरह बन सकते हैं? बहरहाल हमारी वापसी का बंदोबस्त किया जाए, ताकि हम तुम्हारे लिए कुमक रवाना कर सकें।